भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह भारतीय संविधानता संग्राम के महान योद्धा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया। भाजपा ने एक सैंडल पोस्ट में भारत माता की सपूत को नमन किया। भाजपा ने लिखा है कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती पर शत शत नमन। उल्लेखनीय है कि बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर जिले में हुआ था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड का सूत्रधार कहा जाता है। उन्होंने 9 अगस्त 1925 को अपने 15 क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश सरकार की खजाने को काकोरी रेलवे स्टेशन पर लूट लिया था। इस घटना में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल मुकदमा चलने के बाद अशफाक उल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दे दी गई थी। फिलहाल इस खबर में बस इतना है।